अब अपना दर्द परसे आए ना है जलवा नुमा, अब अपना दर्द परसे आए ना है जलवा नुमा, दिखाई देना मेरी गायबाना तन्हाई। क्या चक्कर होना है, बोल रही हूँ ना पैसे हड़पना चाहता है ये। अच्छी खासी रकम दी थी फरहान ने, और अब मुकर रहे? आप बेबुनियाद इल्जाम लगा रही हैं, मेरे गेट पे खड़े होकर तमाचा लगा रही हैं आप। बगैर कागजी कार्रवाई कौन किसी को पैसे देता है? बस कर दें आप लोग, कितनी तसल्लियां देंगे अपने आप को, झूठे बहलावे हैं। क्या कहा है मकान मालिक ने कि कोई एडवांस नहीं दिया है, और जिस कंपनी का बताया था उन्होंने कहा है इस नाम का शख्स कोई जॉब ही नहीं करता यहाँ पर। सुना है कि इतना कोई फ्रॉडी लड़का ढूंढा एक नंबर का कि लड़की को दो हफ्ते में छोड़कर चला गया। ये थी आपकी नाहिद? मैं घर में बैठी औरत, मेरे इतने तलुकात नहीं है, और पहली बार बेटी का रिश्ता तय करने चली थी, मुझसे तो भूल चूक हो नहीं थी। तुमने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई? आप अपनी औलाद पर चोरी का शक कर रही? सगे औलाद के ही गुण माँ को पता, अच्छी तरह जानती हो तुम्हें, बचपन से पैसों पे हाथ साफ करने की आदत है। अगर बचपन से मेरी आदतों का पता था तो थोड़ा वक्त निकालकर तबीयत भी कर देनी थी। हाँ याद आया, आप तो बिजी थी ना अपनी नई नवेली शादी एंजॉय करने में। पापा क्या करती है, केस करने की क्या जरूरत है, मशवरा तो कर लेना चाहिए था ना। और क्या, अरे लड़कियों को तो बगैर इजाजत ही कदम उठाने ही नहीं चाहिए, मगर आपा की बेटियां जो करें कम है। मैंने ऐसा क्या गलत किया? हमारे साथ धोखा हुआ है, फ्रॉड हुआ है, डाका डला है हमारे घर में, क्या इतना भी हम नहीं कर सकते कि इंसाफ के लिए अदालत में जाए? वो ठीक है बेटा, लेकिन तुम खुद बताओ ये शरीफ घराने की बच्चियां थाने कचहरी के चक्कर लगाती अच्छी लगती हैं? क्या कहेंगे दुनिया वाले? अगर घर में मर्द ना हो तो घर की किसी बच्ची को बेटा बनना पड़ता है। अंबर छोटी है लेकिन हर मुश्किल वक्त में सामने आके खड़ी हो जाती है, अगर वो ये काम ना करती तो और कौन करता? तुम्हें तो ये भी ख्याल ना आया शहजा? पापा कैसी बात कर रही है, ख्याल आया था मुझे, करने भी जा रहा था, लेकिन सिर्फ आप और आपकी बच्ची का ख्याल आ गया इसलिए अमल नहीं किया। और क्या, ठीक ही तो कह रहे हैं शहजाद, आप क्या चाहती हैं आपा? अभी तो खानदान के चंद लोगों को पता है कि इकरा के साथ क्या हुआ, क्या आप दुनिया को ये कहानी सुनाना चाहती हैं कि वो आपकी बेटी के साथ खेलकर भाग गया? बस कर दें आप, शर्म आनी चाहिए आपको ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हुए। अच्छा मेरे अल्फाज सुन के तुम्हें तकलीफ हो रही है? वो जो अखबार में कहानियां छपेंगी, टीवी पे खबरें चलेंगी, तरह तरह के अखबारी रिपोर्टर तुमसे सवाल करेंगे, तब शर्म नहीं आएगी तुम लोगों को? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इकरा आपी का इस चीज में कोई भी कसूर नहीं था, और शहर में ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं, कुछ टीवी पे आ जाती हैं, कुछ नहीं आती, इस चीज के डर से क्या हम इंसाफ मांगना छोड़ दें? एक बात बताओ, तुम्हें पता है ना कि शहर में कितनी वारदातें होती हैं, तो ये भी पता होगा कि पुलिस कितने केस हल करती है, अंदाजा है ना? फिर केस करने का क्या फायदा? और एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर फरहान गिरफ्तार हो भी गया ना तो तुम्हारे पैसे और जेवर कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं इस मामले में बिल्कुल अंबर के साथ हूं, हमें कुछ मिले या ना मिले
लेकिन उस शख्स को गिरफ्तार होना चाहिए जो उसने हमारी इकरा के साथ किया है। मैं नहीं चाहती कि कल को किसी और की बच्ची के साथ कर सके। छोड़ें शहजाद, आप कहां सर खपा रहे हैं? अरे हम पागल हैं जो हमदर्दी करने यहां आ जाते हैं? कौन सुनता है हमारी यहां? पापा एक बात कहूं, आपने सारी जिंदगी मेरी बीवी के सामने मुझे शर्मिंदा ही करवाया। सारी जिंदगी आपने खुद मनमानी की और अब वही आपकी बच्चियां कर रही हैं, खुद सर हो गई हैं। मेरा एक बात कहने का हक था, सो मैंने कह दिया। आगे मुझसे किसी किस्म की कोई उम्मीद ना रखिएगा। चले चलो। जाने दे बाबा, कुछ लोगों का जिंदगी में होना जरूरी नहीं होता, और अब हमें इन लोगों की जरूरत भी नहीं। क्या मैं जाऊंगी? हाँ, इसलिए क्योंकि ज्यादती आपके साथ हुई है और उस शख्स से जंग में सबसे आगे आपको ही खड़ा होना होगा। कैसी जंग में? कैसी? वो शख्स मुझसे सब कुछ ले गया। ऐसा नहीं है, कोई भी इंसान हमसे हमारा अपना आप नहीं छीन सकता। हमारा हौसला, हमारी हिम्मत, हमारी खुददारी ये हमारे अंदर ही होती है, बस हमें इस्तेमाल करना आना चाहिए। कल पुलिस स्टेशन जाना है, आप मेरे साथ जाएंगे। रिपोर्ट मैंने दर्ज करवा दी है, आपको सिर्फ बयान रिकॉर्ड कराना है। तुम समझ क्यों नहीं रही हो अंबर? मैं भूलना चाहती हूँ उस शख्स को। वो चंद दिन, वो चंद रातें मैं अपने दिलो दिमाग से मिटाना चाहती हूँ, और तुम कह रही हो तो मैं बार बार जाके उस शख्स का नाम लूं, उनके सामने जाके कहानियां बताऊं ताकि मेरे जख्म और ताजा। आपको क्या लगता है, इस तरह अगर कमरे में बंद रहेंगी तो सब कुछ भूल जाएंगी? नहीं, आपके जख्म वहीं के वहीं रहेंगे। आपको हिम्मत करनी होगी, दुनिया को फेस करना होगा। कम से कम आज आप दुनिया को फेस करेंगी तो कल को आपका सर शिकस्त नीचे नहीं होगा, बल्कि फखर से बुलंद होगा। नहीं कर सकती अंबर, मुझ में हिम्मत नहीं है। कहां से लाऊंगी मैं इतनी हिम्मत? जो हो गया क्या तुम उसे बदल सकती? नहीं ना, छोड़ दो मुझे मेरे हाल पर, प्लीज। क्यों नहीं चाहिए इंसाफ? आप भूल गई हैं कि आप किस माँ की बेटी हैं? और क्या कह रही हैं आपके आपको आपके हाल पे छोड़ दे? अगर मामा ने उस वक्त हमें हमारे हाल पे छोड़ दिया होता तो कहाँ होती आप, कहाँ होती मैं? आप इस चीज को तो याद रखें कि आप किस माँ की बेटी हैं, उनमें कितनी हिम्मत, कितना हौसला था। और आप कह रही हैं कहाँ से लाएंगी हिम्मत? वहीं से हिम्मत लाएंगी आप जहाँ से मामा लाई थी। मामा में देखा था कितना हिम्मत, कितना हौसला था। अब आपको दुनिया को साबित करना है कि आप उसी माँ की औलाद हैं। हिम्मत करें आप भी। दुख से ज्यादा मुझे इस बात पे अफसोस हो रहा है। पैसे का क्या है, तो आने जाने वाली चीज है। किसी का एतमाद इस तरह नहीं तोड़ना चाहिए, वो भी रिश्ते का नाम लेकर। आपको पता है डॉक्टर जवाब, हमारी जिंदगियों में रिश्ते बहुत कम रहे। अम्मी की जिंदगियों में सिर्फ हम, और हमारी जिंदगी में सिर्फ अम्मी। बस हमारी जिंदगियां एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, और एकदम से एक शख्स हमारे पास आता है, हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि इस दुनिया में अभी तक मोहब्बत और खुलूस बाकी है। हम उस पर अंधा एतबार करने लगते हैं,
मेरी बहन, मेरी बहन तो अपना पूरा फ्यूचर उससे वाबस्ता कर ली थी। चंद ही दिनों में मेरी सारी जिंदगी के ख्वाब देख लेती है और फिर एकदम से ये शौक। ठीक कह रही हो तुम, और गलत हो, स्पेशली तुम्हारी बहन के साथ। लेकिन मैं समझता हूँ जो कुछ उसने किया है वो बिल्कुल ठीक है। धोखा खा लेना गलत नहीं है। बहुत तजर्बाकार इंसान भी किसी को पहचानने में गलती कर सकता है, लेकिन धोखे के बाद, नुकसान उठाने के बाद चुप करके बैठ जाना गलत। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मैं हमेशा अंबर के साथ हूँ। मैं जानती हूँ कि अम्मी हमेशा हमारे साथ रहेंगी। आपको पता है हमारी अम्मी ने हमें कभी रोकने की कोशिश नहीं की, ना उन्होंने कभी परवाह की कि लोग क्या सोचेंगे। बस फिक्र तो मुझे इकरा बाजी की है, वो किस तरह इस शौक से निकल पाएंगी ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। जितना तुम एहसास दिलाओगी या कोशिश करोगी इस चीज़ से बाहर निकालने की, उतना उन्हें एहसास होगा कि कुछ गलत हुआ। कुछ वक्त के लिए कोई ऐसी बात मत करो, इस सब को छोड़ दो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाए। हम यही कर रहे हैं। वैसे भी डॉक्टर जवाद, इस दुनिया में ये बात याद दिलाने के लिए बहुत सारे लोग बैठे, आप जानते नहीं इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। हमारे दूर के रिश्तेदार जो हमारे बुरे हालात में कभी हमारे साथ नहीं थे, आज रोजाना हमारे घर पे आके बैठ जाते हैं हमें ये एहसास दिलाने के लिए कि हमारे साथ कितना बुरा हुआ। अम्मी को ये एहसास दिलाने के लिए कि अगर उनका शौहर उनके साथ होता तो उनकी बेटी के साथ ये धोखा होता ही। लेकिन आप मुझे बताएं, जिन लड़कियों का बाप नहीं होता क्या उन लड़कियों की तलाक नहीं होती? क्या उनके साथ बुरा नहीं होता? तो फिर ये लोग ऐसा कैसे सोच सकते हैं? ऐसे लोग हर जगह हर खानदान में होते हैं। अब मेरी बीवी को ही ले लो, मेरी बहन के घर औलाद नहीं होती, और मेरी बीवी कभी कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती उसे ये एहसास दिलाने का कि वो बे औलाद है। ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता, हम जितनी भी कोशिश कर लें इनकी सोच को बदल नहीं सकते। सो इनके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है, नहीं सोचना चाहिए। डॉक्टर जवाद, हुँ? आपके लेक्चर का टाइम हो गया। ओ या, थैंक यू, मैं तो भूल ही गया था। Take care. अब कहाँ जाने? बस अब FIR तो दर्ज हो गई है, अब वकील के पास जाना है खुला का केस दायर करने के लिए। खुला का केस? तो और क्या, अभी भी उसके नाम पे बैठना है क्या? उसी का इंतजार करना है। धोखेबाज निकला है वो, धोखा दिया है उसने आपको, आपका भरोसा तोड़ा है, दिल तोड़ा है, सिर्फ रिश्ता नहीं तोड़ा। इंतजार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पता नहीं कब आता है भी या नहीं। और क्या आपको गवारा होगा कि ऐसे शख्स के साथ नाम जोड़ें जो एक धोखेबाज और फ्रॉड है? कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी दीन ने और कानून ने जब आपको पूरा हक दिया है तो पीछे क्यों हटना? चलें, आप किसी चीज में देर नहीं होनी चाहिए। अनिला, क्या हो गया अनिला? हैं? दुकान पहुंचा तो लोगों ने मुझे बताया कि तेरे फोन आए हुए, तीन तीन फोन किए तूने मुझे। वो दरअसल मंडी गया था ना तो फोन भूल गया मैं। क्या हो गया? एहसन घर पर नहीं आया। तो इसमें कौन सी नई बात है? हमारा घर देते ना बच्चा, 15 साल की उम्र से यही कर रहा है वो हमारे साथ।
इसे परेशानी की क्या बात है? नहीं, बात यह है कि अगर पूरी रात घर नहीं भी आता था तो सुबह 10-11 बजे तक तो आ ही जाता था, ना जाकर सो जाता था। रात गुजर गई, दिन गुजर गया, शाम होने को आई नहीं आया, फोन बंद है उसका। तो किसी दोस्त को फोन करना उसके? एक आध दोस्त को जानती हूँ, फोन किया, किसी को खबर ही नहीं। अहमद से पूछा तो काट खाने को दौड़ता है। सगे भाई एक दूसरे का नाम सुनने के लिए तैयार नहीं। अरे ये बता, मुझे क्यों बुलाया है तूने? क्या करूं मैं, सड़क में निकल जाऊं ढूंढने के लिए उन्हें? अरे अनिला, दो पैसे आवे ना तेरे बच्चे के पास, आवारा गर्दी के निकल जाए दोस्तों के साथ, परेशान होने की क्या जरूरत है इसमें? परेशानी की बात यह है कि अगर वो कहीं जाता भी है और मैं फोन करूं तो बता देता है कि मैं यहां हूं और आ जाता है, नहीं आया कल से, इसलिए परेशान हो रही हूं। आपको नहीं परेशानी हो रही? किससे बात कर रही हूं मैं? सगे बाप तो आप उसके हैं नहीं, कभी इस तरह परेशान हुए हैं आप जैसे उबैद के लिए होते हैं? हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। हाँ उसका बाप हूँ जी। जी जी मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ जी, आ रहा हूँ। किसका फोन था? एहसन का। थाने से फोन था। हर रोज तेरे बच्चे किसी नए टंटे में फंसा दे मुझे, जिंदगी गुजर गई मेरी इस चक्कर में। अच्छा रुके, मैं आ रही हूँ, मैं भी चलूंगी साथ। रुक जा, कहाँ जाएगी तू? थाने? बेटा है वो मेरा, पता नहीं उसके साथ क्या आश्चर्य करेंगे। क्या कर लेगी तू जाके थाने? गिड़गिड़ा के माफी मांगेगी उसके लिए? हैं? छोड़ देंगे तेरे बच्चे को? बात करेगी। जाने दे मुझे, देखता हूँ क्या मामला है, फिर वकील को लेके जाऊंगा, जमानत करवा लूंगा जाके। अब तू दुआ कर कोई लंबा चौड़ा केस ना कर दिया हो, डकैती ना मारी हो, किसी को कत्ल ना कर दिया उन्होंने। ना कर, ऐसा क्यों कहते हैं आप? तेरे लड़के कुछ भी करें वो कम है अनिला। खाना क्या बना है? बहुत भूख लग रही है। इकरा नहीं आई? नहीं, वो कहीं की मुझे भूख नहीं है। आप भी ज्यादा फोर्स ना कीजिएगा, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि वो लॉयर के पास भी चली गई और पुलिस स्टेशन भी। बड़े दिन लगेंगे उनको, लेकिन वो ठीक हो जाएंगे। निकाल दूं आपको? कुछ दिन पहले अनम का रिश्ता आया है, उसी रिश्ते करवाने वाले था जिसने इकरा का रिश्ता करवाया था। कह रही थी कि किस दिन लेके आऊं रिश्ता। उस औरत को घर में भी घुसने मत दीजिएगा, फिर से फ्रॉडिया रिश्ता ले आएगी। वो तो मैं रिपोर्ट करवाते हुए इसका नाम लिखवाने लगी थी, आप हैं जिन्होंने मना कर दिया था मुझे। नहीं बेवा औरत है, मैं जानती हूँ उसे कई सालों से, कई जानने वालों के उसने सही रिश्ते भी करवाए हैं, तो खुद भी धोखा खा गई है। मैं भी चाहती हूं कि रिपोर्ट में उसका नाम ना आए। लेकिन तुम्हारी बात भी सही है, इतबार करें भी तो किस पे करें? लेकिन शादी भी तो करनी है, अनम की भी और तुम्हारी भी, खानदान में कोई रिश्ता है नहीं, बाहर ही देखना होगा। बात तो आप सही कर रही हैं, जरूरी नहीं है एक जगह से धोखा मिला है तो दूसरी जगह से भी धोखा मिले ना। अब मुझमें हिम्मत नहीं है कि मैं किसी और नई रिश्ते करवाने वाले से बात करूं। शहजाद ने भी साफ मना कर दिया कि वो अब हमारे इस मामले में कोई मदद नहीं करेगा। उन्होंने और कौन से सिलसिले में हमारी मदद कर दी है? इस तरह बात कैसे बनेगी? अनम की उम्र हो गई है शादी की, उसकी तालीम मुकम्मल हो गई है, डॉक्टर बनना चाहती थी बन गई है, बस अब अपने घर की हो जाए, मेरी ये जिम्मेदारी पूरी हो जाए। आप एक काम करें ना, आप अनम से कहें वो खुद ही कोई लड़का ढूंढ ले। क्या?
हाँ तो इसमें बुरा क्या है, सबसे आसान हल यही है, लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करें, एक दूसरे के अच्छे बुरे के बारे में जानें, बस। तुम तो जब भी बात करोगी ना उल्टी ही बात करोगी। अन्नम का तो मुझे पता नहीं, लेकिन तुम्हारे मामले में मुझे डर लग रहा है कि कहीं तुम किसी रोज किसी को मेरे सामने ला के ना खड़ा कर कि ये आपका होने वाला दामाद है। ऐसा हो भी सकता है, लेकिन अभी मेरे पास इस चीजों के लिए टाइम नहीं है और बहुत से काम करने हैं। खाया क्या है, खा लो। अब थाने में रहेगा ना कुछ देर, सब समझ में आ जाएगी उसे। ऐसी बातें कर रहे हो, सगे बाप नहीं है ना उसके। घर जा रही हो? जी, इतनी सख्त ड्यूटी के बाद तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं कहीं और जाऊं। तो चलो मैं छोड़ देता हूं तुम्हें। अब नहीं, मैं हॉस्पिटल की ट्रांसपोर्टेशन में चली जाऊंगी। यार वो तो दो तीन डॉक्टर्स और नर्सेज को छोड़ने के बाद तुम्हें छोड़ेगी ना, तुम थकी भी हो। मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, डोंट वरी, छोड़ दूंगा। ठीक, थैंक यू। आ जाओ। एहसन कहाँ है? अरे अकेले आ गए हैं, तो लेने गए थे ना उसे, एहसन कहाँ है? हाँ गया था उसे लेने, पुलिस वाले मेरे सगे तो है नहीं कि मेरे कहने पे छोड़ देंगे, वो जुए के केस में अंदर हुआ है वो। हाँ अबे तो कहता हूँ अच्छा हुआ, कुछ सीखेगा। इतनी दफा समझाया उसे मैंने, समझ नहीं आई उसको। अब थाने में रहेगा ना कुछ देर, सब समझ में आ जाएगी उसे। ऐसी बातें कर रहे हो, सगे बाप नहीं है ना उसके, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। लेकिन जिसके सामने बोल रहे हैं वो उसकी सगी माँ है। ये बातें कर रहे हैं कि थाने की हवा खाने दो, जानबूझकर छोड़कर आए उसे वहां पर। अरे घंटों जलील होके आया हूँ मैं बाहर से, घंटों, और क्या करूँ, कोशिश कर रहा हूँ, निकल आएगा दो तीन दिन में। झूठ बोल रहे हैं, कोशिश की होती तो छूट जाता, आप चाहते ही नहीं है कि वो बाहर आए। जुए के केस में ये अंदर गया, कोई कत्ल तो नहीं किया है ना उसने? वो भी करेगा नीला, वो भी करेगा। तेरे दिल की सारी हसरतें पूरी होंगी। कैसी औरत है तू, कैसी माँ है? बजाय इसके कि तू शर्मिंदा हो कि तेरे बेटे ने ये हरकत की, उसके करतूतों पर पर्दे डाल रही है तू, हैं? एक बार सुन ले तू अनिला, तेरी नजर में जुआ जुर्म नहीं होगा, पुलिस की नजर में है। क्या करूं मैं?
भाई आज भी ठीक नहीं हुई है। नहीं भैया, आप लोगों के रोज रोज के तमाशे हैं ये। अब अगर कल तक नहीं हुई ना तो देखिएगा मैं आप लोगों की केबल ही कटवा दूंगी। अच्छा भाई सही। सुनो, पता नहीं आज मम्मा को क्या हुआ था, तुम्हारी शादी की बात कर रही थी। मेरी शादी की बात कर रही थी? क्यों, इकरा आप ही के वाक्य के बाद उन्हें सबक नहीं मिला क्या, जो फिर ख्वाब देख रही? ख्वाब देखना तो जिंदगी की अलामत होती है ना। मैंने पहले भी तो ख्वाब देखे थे कि हम लोगों को कुछ बनाएं, पढ़ाएं, लिखाएं, किसी मुकाम पे पहुंचे, हम लोगों को इज्जत से पाले। ख्वाब पूरे किए ना, लोग किस तरह मजाक उड़ाते थे, लेकिन अब वही लोग हैं, देखते हैं कि हम कुछ बन गए हैं। शायद तुम ठीक कह रही हो। पता है मैंने अम्मा को क्या मशवरा दिया? क्या? मैंने तो मम्मा से कह दिया कि तुमसे पूछ ले, आपको ख्वार होने की क्या जरूरत है। अब लड़कियों की माएं थोड़ी ख्वार होती हैं, हलकान होती हैं कि लड़का ढूंढे लड़का ढूंढे, लड़कियां खुद पसंद कर लेती हैं। मैंने तो कहा अनम से पूछ ले, उसे कोई लड़का पसंद हो या उसको कोई ढूंढना हो। क्या? हाँ ना, हमारी ख्वाहिश क्या है, हमें कैसा लड़का चाहिए, कौन लड़का हमें खुश रख सकता है, ये तो हम लोग बेहतर जानते हैं ना, ना कि वो रिश्ता कराने वाली आंटियां। मैं तो तुम्हें चैलेंज कर रही हूँ, तुम ये चैलेंज पूरा करके दिखा दो तो मान जाओ तुम्हें। भाई नहीं चाहिए तुम्हारा चैलेंज। कहाँ जा रही हो? अरे उठ के क्यों जा, मजाक कर रही थी। भाग गई। अनु, मैं बहुत दिनों से तुमसे ही बात करना चाह रहा था, लेकिन मुझे डर था कि तुम कहीं नाराज ना हो जाओ। देखो मेरी बात का कोई गलत मतलब मत लेना प्लीज। इस बात का कोई सही मतलब नहीं निकाला जा सकता, आपको ऐसी बात करनी ही नहीं चाहिए। अनम, आज पहली दफा मैंने अपने बारे में सोचा है और सोच समझ के बात की मैंने। मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए और मुझे कोई जल्दी नहीं है। तुम्हारा जो भी जवाब हो ठीक है, लेकिन एक बार ठंडे दिमाग से तसल्ली से सोचना जरूर। परेशान लग रही हैं। सुबह फ्रिया की कॉल आई थी। अगर आप टेंशन लेने के बजाय उनकी कॉल रिसीव करना छोड़ देना तो वो बेहतर होगा। उनका तो काम ही ये कि आपको टेंशन ही देती रहती हैं। वो थोड़ी बाज आ सकती हैं। हाँ, लेकिन वो बाज ही कहाँ आती है। कितनी बार मैंने उसे कहा कि मेरा उस शख्स से कोई ताल्लुक नहीं रहा, मुझे उसकी रिपोर्टें मत दिया कर। एक ही शहर में रह रहे हैं हम लोग, मैं कभी उसके घर का रास्ता नहीं भूली। वो भी इतना बेखबर नहीं है कि उसे ये तक ना पता हो कि हम कहाँ रह रहे हैं, किन हालात में रह रहे हैं। उसे तो आज तक ये तौफीक भी ना हुई कि वो आके अपनी बेटियों को ही देख ले कि आज वो किस मुकाम पे है, किन हालात से गुजर रही हूं। और ना ही मुझे आज तक उसकी कमी महसूस हुई। पता नहीं ये फरिया को क्या मसला है कि वो उसकी रिपोर्टें देने के लिए मुझे कॉल करती रहती। ये तो भूखी मर गई है,
ये सुन के कि वो लोग खुश हैं और घूम फिर रहे हैं। नहीं, वो बता रही थी कि अनिला के छोटे बेटे को पुलिस पकड़ के ले गई है। क्या? हाँ, रिया बता रही थी कि देख ले आपा, आपका सबर उन पे बद्दुआ बन के लगा, ये जरूर आपके दिल की आह होगी। हमें से क्या बताती कि मैंने कभी किसी को बद्दुआ देने में अपना वक्त जाया नहीं किया। मैंने तो बरसों पहले ही अपना मामला ने खुदा पे छोड़ दिया था, अब वो जाने और उसका इंसाफ। चाय तो पी लो। नहीं बस, सब लेट हो रही है। तुमने तो आज कॉलेज नहीं जाना और फिर ऑफिस जाने में अभी टाइम है। हाँ, लेकिन एक जरूरी काम से जाना है जहाँ बहुत दिनों से नहीं गई। मैं तैयार होने जा रही हूँ, फिर निकलती हूँ। कहाँ देगा? कौन देगा ये? जी भाई, ये साथ वाले माजिद साहब है ना, उन्होंने दिए। उनके पास कोई दे कर गया था कि सादिक भाई को दे देना। किसने दिया है? कोई अता पता बताया गया? कोई बोल रहे, मैंने पूछा था, उन्होंने कोई बताया नहीं। अच्छा, काम कर अपना। बहुत अरसे बाद आया ये पुलिस वाला डब्बा। कोई केक होगा, पता नहीं कौन छेड़ रहा है मुझे। मासूम गादिर, थैंक यू सो मच। जी बॉस। जी ठीक है बॉस, वो मैं देख लूंगी अभी। लेकिन बॉस, अच्छा ठीक है। अम्बर बात सुनो। हाँ बोलो। तुम मेरा एक काम कर दोगी? क्या काम है? यार मुझे अभी अर्जेंट अम्मी को लेके हॉस्पिटल जाना है और मुझे बस अभी ऑफिस से निकलना पड़ेगा, लेकिन बॉस ने मुझे एक काम दे दिया है और वो कह रहे हैं जब तक मैं ये काम किसी और को ना सौंप दूं वो मुझे ऑफिस से निकलने की परमिशन नहीं देंगे। क्या काम है तुम्हारा, बताओ? तुम्हें अभी पुलिस स्टेशन जाना होगा। पुलिस स्टेशन में क्या काम है? यार वहाँ कुछ लावारिस और गुमशुदा बच्चे होते हैं तो उनके लिए कॉल्स आ रही हैं, जब तक उनके पेरेंट्स नहीं मिल जाते हमें यहीं शेल्टर होम में रखना पड़ेगा उन्हें। तो तुम जा रही हो ना? हाँ चली जाती हूँ, डिटेल्स दे दो, कुछ वहाँ पे मसला हुआ कॉल कर लूँगी। हाँ हाँ, मैं तुम्हें बता दूँगी, डिटेल्स दे दूँगी। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। सुन रहे हैं? अजीम साहब ने रिश्ते से इनकार कर दिया है। क्यों? उसके चक्कर में तो मैंने अहमद को कारोबार करवाया, क्या मसला हो गया उसे? उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि वो अपनी लड़की का रिश्ता उस घर में नहीं करना चाहते जिस घर का एक बेटा जुए के केस में जेल में। वैसे मैं बताऊं आपको, ये सिर्फ बहाना है। अजीम साहब अपनी बेटी का रिश्ता इस घर में करना ही नहीं चाहते, लेकिन अहमद पता नहीं क्या जिद पकड़ के बैठ के जलील करवा के रखती है। जलील तो ऐसे में करवाया है मैं, पूरा मोहल्ला बातें कर रहे हैं उसके बारे में, अंदाजे लगा रहे हैं लोग। हर आदमी कह रहा है दहशतगर्दी में पकड़ा गया है, कोई कह रहा है डकैती में पकड़ा गया है। वैसे ये सब आपकी वजह से हुआ है, छुड़वा तो आप उसे सके नहीं, तो जाहिर है लोग बातें तो करेंगे ना। तो जुए में अंदर गया, कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं किया उसने। देख नीला, मुझ पे इल्जाम लगाने के बजाय ना अहमद को समझा, उसका क्या करेगी तू? समझ आई? कैसे बताएगी, दंगा करेगा वो। समझा दे उसे, अजीम भर जाएगा, अपनी बेटी का रिश्ता नहीं देगा, ख्याल से उसे निकाल दे वो लड़की का। तरफ मुझे जलील करके रख दिया है सबने, जिससे बात करो काट खाने को दौड़ते हैं।
नहीं देखें, हालात हैं आजकल खराब, चारों तरफ अपने टिकट लगाएं और हर शख्स को चेक करें अच्छी तरीके से। जी फॉर्म फिल कर दिया है, उस बच्चे की कस्टडी अब मुझे दे दीजिए। साइन तो हो गए, जैसे ही बच्चों के लवाइकिन रब्ता करेंगे मैं आपको बता दूंगा। मेरी तो दुआ है जल्द से जल्द उन लोगों का पता चले। हम पूरा ख्याल तो रखते हैं लेकिन घर से बिछड़ने का दुख खत्म नहीं कर सकते। सुनो भाई, वो तीनों गुमशुदा लड़के हैं ना, वो इन बीवी के हवाले कर दो। आपने उन बच्चों को किस तरह से रखा हुआ है, कैद किया हुआ है? अरे नहीं बीबी, वो बच्चे तो बहुत आराम से हैं, अंदर बैठे हैं। अगर कैदी करना होता फिर आपको जहमत थोड़ा ही देते, ये तो कल जुए के अड्डे से पकड़ा गया है। आप इतने से बच्चे पर किस तरह का इल्जाम थोप रहे हैं? बाजी मेरी कोई गलती नहीं है, आप मुझे यहाँ से बचाएं। चुप कर, बताता हूँ तेरे को मैं। आप इस तरह से नहीं कर सकते इस बच्चे के साथ। क्या बकवास कर रहे हैं? मैं तो जैसे हमारे लड़कों को अच्छी तरह जानता हूँ, मैंने कुछ गलती नहीं की तो उस चूहे गड्ढे में क्या कर रहे तुम? यही बात मैं इंस्पेक्टर साहब को कह कह के थक गया, किस को जाने दे, ये एक बेकसूर है, एक मेहनत कश बच्चा है। माना ये जुए के अड्डे पे पकड़ा गया है लेकिन ये वहां सिर्फ अपना काम करने आया था, चाय देने आया था, सामने वाले होटल में काम करता है। क्या आप इस बच्चे की जमानत दे सकते हैं? मेरी तो कल से खुद की जमानत करने को ही नहीं आया। बच्चियों के लिए अच्छा सोचता है, तकदीर में ही बुरा लिखा था तो क्या किया जा सकता है। इस बोझ के साथ अपनी पूरी जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए। डॉक्टर जवाद है ना, मेरा रिश्ता मांगने के लिए आना चाहते हैं। अल्लाह करे ये रिश्ता उन दोनों के हक में बेहतर साबित हो। गलत फैसले थे मेरी जिंदगी के इतने साल बर्बाद कर दिए। कैसा गलत फैसला? मेरी शादी का। उसी को खाके दरे यार जान ले।